तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं हलेश्वर मंदिर। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं मिशन चौराली में। तो यहाँ पे अभी थोड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो अभी चलते हैं हलेश्वर मंदिर। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी वहीं पे जाके आते हैं। तो थोड़ा घूम के आते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे है तेजपुर का सबसे बड़ा शिव का स्टैचू। तो उससे बड़ा और यहाँ पे तेजपुर में दूसरा नहीं है। तो अभी वहीं पे जाके थोड़ा देख के आते हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा अभी। तो आजकल यहाँ पे भी बहुत रुकना पड़ता है, आजकल ट्रैफिक बढ़ गया है यहाँ पर भी। तो अभी हम लोग हैं मिशन चौराली में, तो अभी यहाँ से चलते हैं। तो वहाँ पे जाके तो थोड़ा घूम के आते हैं। तो अभी शाम के 4 बज रहा होगा शायद, तो अभी चलते हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं डेकरगाँव। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ है रेल स्टेशन। तो अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी चलते हैं। तो मिशन चौराली में बहुत ट्रैफिक था, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, 10 मिनट लगा होगा शायद। तो आजकल बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पे, तो पहले तो इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत होता है। तो चलते हैं अभी। तो वहाँ पे जाके थोड़ा वो वीडियो बनाते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद आएंगे फिर से। डेकरगाँव का भी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, तो रेल स्टेशन का। तो यहाँ पे आगे है एक पेट्रोल पंप, तो अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बालीपाड़ा यहाँ से है 16 किलोमीटर, तो हमें बालीपाड़ा तक नहीं जाना पड़ेगा। तो गोरेमारी भी क्रॉस करना नहीं पड़ेगा, तो उससे आगे मिलता है हलेश्वर मंदिर। तो अभी चलते हैं। तो यहाँ पे जेके टायर लगता है नया बनाया है, पहले नहीं था ये। तो अभी हम लोग पहुँचे सोलमारा। तो रोड बहुत अच्छा है। तो हलेश्वर मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ पे एक तालाब भी है, तो उसी के बीच में शिव का स्टैचू है। तो बहुत बड़ा स्टैचू है, मतलब यह तेजपुर में उससे बड़ा और दूसरा नहीं है, वही एक है इतना बड़ा स्टैचू। तो अभी उस वहाँ पे जाके तो थोड़ा वीडियो बनाते हैं, तो उसके बाद जाएंगे फिर से घर। ऐसे टर्निंग में बाइक चलाने को बहुत अच्छा लगता है, पूरा स्ट्रेट रोड होने से अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा टर्निंग होने से बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कुछ तालाब जैसा है, लगता है यहाँ पे मछली पाले हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आगे जाके राइट साइड की तरफ है तेजपुर का एयरपोर्ट। तो यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, ज़रा दूर नहीं है। यहाँ से राइट साइड की तरफ है तेजपुर एयरपोर्ट, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे आगे है हलेश्वर मंदिर, और थोड़ा सा तो पहुँच ही गए। यहाँ से यहीं से दिख रहा है वो आगे का पेड़ है, तो वहीं से अंदर की तरफ घुसना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे है पुलिस स्टेशन, लगता है कुछ हुआ है। तो पहुंच गए हलेश्वर। तो यहाँ से राइट साइड, तो ये रहा आगे हलेश्वर मंदिर। तो अभी यहाँ पे थोड़ा अंदर जाके देखते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर। तो यहीं पे साइड में पार्किंग है, वहीं पे बाइक लगा के थोड़ा घूमते हैं। तो ये रहा आगे हलेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे पीछे की तरफ है शिव का स्टैचू, तो अभी वहाँ पे चलते हैं, तो जाके देखते हैं। ये रहा मंदिर, तो ये रहा शिव का स्टैचू, तो बहुत सुंदर है। ये रहा तालाब जो इसके बीच में है शिव का स्टैचू, बहुत सुंदर और बड़ा भी है। तो यहाँ से जाने का
रास्ता है, एक ब्रिज जैसा बनाया है, तो अभी चलते हैं यहाँ से अंदर। तो ये रहा आगे, चलते हैं यहाँ से अंदर। सो आगे है शिव का स्टैचू। तो ये रहा शिव का स्टैचू, तो ये रहा, बहुत सुंदर है। तो पूरा फ्रेम में आता ही नहीं है यहाँ पे, और इस तरफ जाने की जगह नहीं है, तो इसलिए पूरा नहीं आता है। तो ये है पीछे की तरफ से, यहाँ पे कुछ धागा बांधा हुआ है। तो ये रहा आगे हलेश्वर मंदिर। तो आगे की तरफ से बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा इलाका है यहाँ पे। तो ये रहा तालाब, तो इसी के बीच में है ये शिव स्टैचू। वो मंदिर के बैक साइड में है, हलेश्वर मंदिर के बैक साइड में है ये वाला स्टैचू यहाँ पे। तो ये है हलेश्वर मंदिर। तो आज अंदर नहीं जाएंगे, तो अभी चलते हैं यहाँ से। यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ से राइट साइड की तरफ जा सकते हैं, बालीपारा की तरफ। तो अभी हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड तेजपुर। तो अभी चल रहे, तो पहुँच गए हम लोग हाई रोड। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मिलिट्री कैंप, तो बहुत सुंदर है मंदिर, तो बहुत बड़ा भी है। जो स्टैचू दिखाया था, तो वो तालाब के बीच में, वहाँ पे तालाब में बहुत सारे कछुए भी है, लेकिन अभी निकला नहीं है, बहुत छोटा छोटा है, तो वीडियो इतना अच्छा नहीं आया, तो इसलिए नहीं बनाया। तो अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट, तो जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से कितना 10-15 किलोमीटर होगा शायद, 10 किलोमीटर होगा शायद। तो अभी आ चुके मंदिर से निकल के, जो बहुत सुंदर मंदिर। तो अभी शाम के 5 बज गया होगा शायद, 5-5.5 हो गया होगा शायद। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कैंप, जो हलेश्वर मंदिर से यहाँ तक है, बहुत बड़ा है। तो अभी पहुँच चुके हैं मिशन जराली, तो यहाँ पे फिर से रुकना पड़ेगा शायद, देखते हैं कितना टाइम रुकना पड़ेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी तो कितना ट्रैफिक नहीं है, तो जाके देखते हैं क्या होता है। आते टाइम लेकिन 10 मिनट लग गया होगा शायद, तो अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो बहुत टाइम रुकने के बाद अभी हो गया है, तो अभी चल रहे। आज बहुत टाइम लग गया, जाते टाइम भी बहुत टाइम लगा, तो अभी भी बहुत टाइम लगा है। तो अभी चलते हैं घर। वीडियो कैसा लगा बताना, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। तो चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा रोड ख़राब हुआ है, पहले तो अच्छा ही था, तो अभी अंधेरा होने ही वाला है। तो अभी 5:30-6 बज गया होगा शायद, तो मेरा बाइक में टाइम है, लेकिन उसका टाइम थोड़ा मिलाया नहीं है, पहला तो ठीक ही था, मालूम नहीं किया हुआ है। तो अभी
चल रहे घर। तो वीडियो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।